नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हौसी की आवाज़। टुडेज इज डॉक्टर्स डे। जब एक मरीज जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा होता है, उस मरीज को एक डॉक्टर नया जीवन देता है। डॉक्टर्स को सृष्टि के अंदर हम भगवान कहते हैं और भगवान से कम भी नहीं समझते, क्योंकि मरीज के जीवन के अंदर, एक व्यक्ति के जीवन के अंदर वो खुशियाँ भरता है। आज डॉक्टर्स डे है और ऐसे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर आज हम खड़े हैं, जिसे श्री काली देवी IN जनरल हॉस्पिटल के नाम से जो जाना जाता है। वहाँ के सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आज अपने डॉक्टर्स डे पर उसको किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और कौन कौन उनको बुका भेंट करने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बिल्कुल मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हैं आप हैं डॉक्टर AK सिंगल, यहाँ के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हैं और फिजिशियन हैं, वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियन माने जाते हैं हमारे सब डिवीजन के, डॉक्टर AK सिंगल श्री काली देवी IN जनरल हॉस्पिटल के। डॉक्टर अंकित मित्तल एक कॉम्पिटेंट ऑर्थोपेडिशियन हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं इसी हॉस्पिटल के। डॉक्टर हितांशी मित्तल आप MD गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर का नाम जानूंगा क्योंकि आप दांतों का इलाज करते हैं, डेंटल सर्जन हैं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर खुशबू सोनी। हाँ, डॉक्टर खुशबू सोनी, आज खुशबू बिखेरेंगे, क्यों ना बिखेरें, डॉक्टर्स का डे है आज। और डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा जी ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं। मैं चाहूँगा कि, और मेरे सामने ये खड़े ही हैं टीम, RPS स्कूल की टीम है, खान साहब हैं जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं सुनील जी, और डॉक्टर सोनिया जी, सोनिया RPS स्कूल से, सविता, ये सभी इनको ग्रीट करने के लिए आए हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर्स अपने डॉक्टर्स डे पे एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग ही कर दें। अगर मैं इतिहास को दोहराऊं, 1991 में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, उनकी याद में आज उनकी जयंती भी है और पुण्यतिथि भी है। ये सब डॉक्टर्स जानते हैं, इनसे मैं बुलवाऊंगी का, उनको सम्मान देने का और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का। और डॉक्टर्स को हम सम्मानित करते हैं हाँसी की आवाज़ पे, और ये RPS स्कूल जो वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ की कुछ टीम आई है इनको सम्मानित करने के लिए, उनको सम्मान देने का और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का, ट्रिब्यूट और होमेज देने का आज डे है। डॉक्टर्स ने कोविड में इतना काम किया है, अपना लाइफ स्टेक पे रख के। मैं डॉक्टर AK सिंगल्स की वर्किंग को जानता था, सभी डॉक्टर्स की वर्किंग मैंने देखी है यहाँ पर, तो उन्होंने परवाह नहीं की। और मैं जानूंगा डॉक्टर साहब मेरे करीब आ जाएं एक बार, AK सिंगल जी इधर से। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स डे है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मासिस को? डॉक्टर्स डे पर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सारे हेल्दी रहें, खुश रहें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करते रहें, और जो कोविड में हमने जो चीज़ें देखी हैं, जो हमारी इम्यूनिटी डाउन होने के कारण बहुत सारी डेथ हुई, मोर्टलिटी हुई, मॉर्बिडिटी हुई, तो आगे से हमारी इम्यूनिटी को हम इतना मजबूत करें कि ये चीज़ें दोबारा ना हो। हम आपको सैल्यूट करते हैं डॉक्टर्स डे पे सर। मेरे साथ किसी के भी कोई हड्डी टूट जाए तो उसके एकदम से तुरंत ठीक कर देते हैं। देखिए, हमारी तरफ से डॉक्टर्स डे पे सभी लोगों के लिए यही मैसेज है कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जितना कम हमारे पास आ सके उतना कम आए। डॉक्टर हितांशी मित्तल बहुत अच्छा बोलती हैं, और सरयू नदी के पास की रहने वाली हैं आप, वहाँ से। डॉक्टर्स डे पे मैं सबको यही बोलूँगी, एक्चुअली डॉक्टर साहब वाली, दोनों डॉक्टर साहब वाली बात, कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, और स्पेशली औरतों के लिए अपना खून बढ़ाएं, सबकी सब बिल्कुल कम हीमोग्लोबिन के साथ आ रही है, अपना खाना पीने में अच्छा ध्यान रखिए। और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है, जिनकी याद में ये डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर्स की जॉब बड़ी, यानी कि
हजार ईयर्स तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने आप में बहुत एक मायने रखती है, दूसरे के जीवन की रक्षा करती है। आप तो यानी कि एक महिला के बच्चे का सर्जन भी करती हैं, सर्जन करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर साहब आपको। मेरे साथ हैं खुशबू, खुशबू बिखेरिएगा डॉक्टर सदीप के, आप लोगों के चेहरे की मुद्रा ठीक करती हैं डेंटल सर्जन। सबसे पहले तो सबको हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी डॉक्टर्स डे पर कि योर टीथ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर ओरल हाइजीन, क्योंकि आप अच्छा खाना खाओगे तभी आप हेल्दी रहोगे। तो केयर ऑफ योर ओरल हाइजीन, क्योंकि आप अच्छा खाना खाओगे तभी आप हेल्दी रहोगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने टीथ का भी उतना ही केयर करें जितना बाकी चीज़ों का केयर करते हैं। थैंक यू। नजरें जो मिली तेरे काजल ने कहा, कुछ जुल्फ के उड़ते हुए बादल ने कहा, जो राज मैं कह ना सका कोई ते उड़ते हुए तेरे आंचल ने कहा। नज़र की जब बात आती है तो हम नज़रों के ही डॉक्टर से बात करेंगे, क्यों ना। ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा जी। सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं? सबको हैप्पी डॉक्टर्स डे। मैं इस डॉक्टर डे पे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों का ख्याल रखें। हमारे कोविड टाइम पे बच्चों की नज़र पे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल बंद रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, बच्चों की नज़रें फ़ोन देखने के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना आप अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रख सकें उतना दूर रखें। सिंड्रोम होता है उनको? हाँ, उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है, जो नज़दीक की चीज़ को बार बार देखने की वजह से उनकी नज़दीक की नज़र तो डेवलप हो जाती है, दूर की नज़र डेवलप नहीं हो पाती है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में रखें, फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अब तो क्लासेस भी खुल गई हैं। सर, डॉक्टर्स डे पे नेट सर में आपने इतना इन टोटल हॉलिस्टिक यानी कि कहत डाला मासिस को, तो आपको प्रणाम करता हूं। और आपकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपकी आंख में कोई कमी हो गई है तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना आप अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रख सकें उतना दूर रखें। सिंड्रोम होता है उनको? हाँ, उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है, जो नज़दीक की चीज़ को बार बार देखने की वजह से उनकी नज़दीक की नज़र तो डेवलप हो जाती है, दूर की नज़र डेवलप नहीं हो पाती है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में रखें, फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अब तो क्लासेस भी खुल गई हैं। सर, डॉक्टर्स डे पे नेट सर में आपने इतना इन टोटल हॉलिस्टिक यानी कि कहत डाला मासिस को, तो आपको प्रणाम करता हूँ। और आपकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपकी आँख में कोई कमी भी नहीं है तब भी हर साल एक बार ज़रूर आँखों का चेकअप कराएं, क्योंकि अंदर जो बीमारी चल रही है उसको केवल डॉक्टर ही पता कर सकता है, ठीक है। इसलिए हर साल अपना आँखों का चेकअप ज़रूर कराएं। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइएगा, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर्स को भूखा भेंट करें। क्या नाम बताया था आपने? सोनिया। सोनिया, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स डे पे? आप इन सभी डॉक्टर्स को क्या ग्रीट करना चाहेंगे? हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू, एंड यू गिव अ मैसेज टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स। वी गिव योर मैसेज टू आवर स्टूडेंट्स। ओके, वी टेल दैट ईट हेल्दी फूड, सेकेंडली टेक केयर अबाउट द टीथ, नेवर कम इन द हॉस्पिटल मैक्सिमम टाइम विद हिम, टेल टू द स्टूडेंट्स की हेल्दी फूड खाओ ताकि तुम्हें हॉस्पिटल ही ना जाना पड़े, और फोन से दूर रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, मैडम सोनिया, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने टिप्स दे दी हैं, ये तो सारा इसके रिवर्स जाता है, अगर हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल रिवर्स नहीं जाएगा ना सर, कोशिश तो मैक्सिमम यही होनी चाहिए। अब डॉक्टर्स ने ही कहा है ना, हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए हमें, हम आएंगे जब हमें प्रॉब्लम होगी। चलो आज डॉक्टर्स वन ईयर में चेकअप करवाने के लिए आए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हाँ, रेगुलर चेकअप जो कहा जाता है वो हम करवाएंगे। आप क्या कहना चाहती हैं? सर, पहले तो मैं डॉक्टर डे पे इनको विश कर रही हूँ, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप एक भगवान का रूप लेकर के आते हैं हमारे पास। चलो, आप इनको भूखा भेंट कीजिएगा। डॉक्टर सुनील जी, सुनील जी हैं वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। आप देख रही हैं आरपीएस स्कूल की पूरी टीम सभी डॉक्टर्स को ग्रीट कर रही हैं। पूरे ये डॉक्टर खुशबू को भूखा दिया जा रहा है, यह डॉक्टर धर्मेंद्र जी को दिया, और हितांशी मित्तल हैं गायनेकोलॉजिस्ट, उनको भी आप दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये आरपीएस स्कूल है, वन ऑफ द लीडिंग स्कूल है, उनकी पूरी टीम आज डॉक्टर्स डे पे, आप जोरदार क्लैपिंग्स कीजिएगा। भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। एक बार डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के लिए हम उनको याद फरमाएं और उनको तालियों से क्लैप करें। डॉक्टर्स डे,
अंत में मैं इतना ही कहूँगा, तपती हुई जमी है, तपती हुई जमी है, जलधार बांटता हूँ, पतझड़ के मौसमों में मैं बहार बांटता हूँ। तपती हुई जमी है, जलधार बांटता हूँ, पतझड़ के मौसमों में बहार बांटता हूँ। है नफ़रतों का दौर ये, नफ़रतों के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूँ। डॉक्टर्स के लिए कोई भी छोटा नहीं हो मरीज होता, कोई बड़ा मरीज नहीं होता, वो उनके अंदर इंटरमिंगल होकर उनका इलाज करते हैं। ये मेरे लिए और आप सब के लिए ये भगवान होते हैं, जब हम आते हैं इनको भगवान का दर्जा देते हैं। चले जाते हैं डॉक्टर साहब, आपकी महफिल।